नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां ताजपुर प्रखंड के मुर्गियाचक में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारा के साथ 15 फरवरी को गांधी मैदान में आहूत रैली को सफल बनाने के उद्देश्य से भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद कादिर ने किया। बैठक में बतौर अतिथि भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह एवं खेग्रामस के प्रखंड अध्यक्ष प्रभात रंजन गुप्ता भी मौजूद थे। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आयोजित इस रैली को सफल बनाने के लिए भाकपा माले के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से जुट गए हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए जिला के सभी प्रखंडों में दीवार लेखन, चंदा वसूली, पोस्टर चिपकाने, पर्चा वितरण, बैनर लगाने आदि का काम तेजी से चलाया जा रहा है। इस बार की रैली में समस्तीपुर से 10,000 से ज्यादा माले कार्यकर्ता भाग लेंगे। मौके पर मोहम्मद रफीक, शत्रुघ्न पासवान, सोनिया देवी, मोशरत जहां, रुबेदा खातून, मुंशीलाल राय समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अभी ताजपुर के मुर्गियाचक में दलित गरीब भूमिहीनों की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक से 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले द्वारा आहूत लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में बड़ी भागीदारी बस से सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया है। बैठक से यह भी निर्णय लिया गया है कि माले के लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली एवं 15 फरवरी से ही पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शुरू हो रहे राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी में भी तन मन धन से कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके लिए दीवार लेखन, चंदा वसूली, पर्चा वितरण, पोस्टर साटने, बैनर लगाने, पोस्टर लगाने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है इस रैली से, इस आह्वान से ताजपुर से बड़ी तादाद में लोग रैली में भाग लेकर के रैली को सफल बनाएंगे। भाकपा माले के कार्यकर्ता लगातार रैली को सफल बनाने को लेकर हर क्षेत्र में प्रयासरत है।